हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 मैथ में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसके पहले हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था, इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था, यहां इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन, मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी डिग्री जो होगी क्या होगी, वन होगी। और यहां पे वेरिएबल कितने होंगे, यहां नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे कितने होंगे, दो। अभी इसके पहले चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां एक्स और वाई लिया था, ठीक है, ये एक्स लिया था और ये हमको हमने वाई लिया था। तो इस केस में भी हम जो है अब एक्स और वाई के साथ काम करेंगे, और कोई भी इक्वेशन है उसका हम लोग उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद उस इक्वेशन को कैसे हम ग्राफ में दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर जो वर्ड है उसका ग्राफ या उसको इस पे दिखाएंगे, ग्राफ पेपर जो होता है, जो छोटे छोटे दानों दानों से बना होता है ऐसे ऐसे करके, उस पे अगर उसको ड्रा करेंगे तो वो कोई स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे, या इसी में चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, कैसे भी वो बन के आ जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, बस उसका उसका डायरेक्शन अगल बगल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग यही देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, फिर उसमें हम देखेंगे कि इन जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्स और वाई है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कि ऐसी वैल्यू जिसपे इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, ये ऐसे इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, या जीरो होगा, या ये इस तरह हो इक्वल टू माइनस टू होगा, तो इस तरह होगा, इक्वल टू जीरो होगा। इसका ये मतलब होता कि यहां पे जो दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, यहां पे टू वेरिएबल है, यहां एक्स और वाई की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख दिया जाए कि इस लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाए, क्योंकि आर है राइट हैंड साइड जीरो है, तो एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाए, और यही एक्स और वैल्यू की एक्स और वाई की वैल्यू ही हमको निकालना होता है। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग और ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिंपल जाएंगे, अगले क्लास में इसको और भी ज्यादा डीप जाएंगे। तो यहां पे देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करके, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो वर्ड है सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू मिल जाए जिससे ये जीरो हो जाए, उसी को सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा वो देखेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसी लाइन बनाए जो एक्स और वाई एक्सिस से पैरेलल हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर लास्ट में थोड़ा सा समरी पर भी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। तो यहां पर क्या है, लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म, इस तरह का फॉर्म में है जिसमें एक एक्स है और एक वाई है, एक्स और वाई है और एक कांस्टेंट है। यहां पर ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर क्या है, 1, 2, 3 -1, 2, 3 या 1/2, 1/3 या -1/2, 1/3, ये सर। लेकिन यहां पर बोथ में जो ए और बी की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ए और बी की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो इसमें एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, ये इसलिए कहा जाए, इसलिए टू वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले लिया गया है, ये यहां पे देखिए ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई और सी की वैल्यू 5 आ गई, तो इसकी जगह सेम पैटर्न है आपका, ये इक्वेशन आ गया, ये दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी, और 5 क्या है, ये कांस्टेंट है। हम लोग ने इस पे कई हर पिछले चैप्टरों में इस पे बार बार हम लोग ने बात की, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉट अफेक्टेड, कहने का मतलब इसका सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब इसके सभी टर्मों में व्हेन द सेम नंबर इज एडेड या सब्सट्रैक्टेड या बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब ये क्या है, इसका मतलब 2x + 3y = 5,
अगर इसके दोनों तरफ सपोज करिए 5 जोड़ दें और यहां पर भी 5 जोड़ दें तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या यहां पे माइनस कर दें, माइनस 5 कर दें, प्लस 5 और यहां पर भी माइनस 5 कर दें तो भी नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर पूरे इक्वेशन में दोनों तरफ किसी से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड भी कर दें, यू आर मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन नॉन जीरो नंबर। ये क्या कहने का मतलब, जैसे यही इक्वेशन था 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के दोनों साइड, इसका मतलब क्या ये हो गया, ये हो जाएगा और 0 बाई 5 ये हो जाएगा, या 2x प्लस 3y प्लस 5 अपान डिवाइड कर दीजिए 3 से और यहां 0 बाई 3 कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही ये कहने का मतलब है, दो ये जो बात कही गई है। अब क्या है, ए लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, देखिए दो वेरिएबल सोल्यूशन जैसे 4x माइनस y माइनस 3, यहां कहने का मतलब x और y की कई वैल्यू हो, जैसे सपोज करिए पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, यहां 4 लेफ्ट हैंड साइड 4 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1, ये सोल्यूशन क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हो जाए। इसके अलावा और भी है, इफ वी टेक x इक्वल टू 2, ये हम अपने से एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अपने से एज्यूम कर रहे हैं चेक करने के लिए, इस वर्ड को चेक करने के लिए कि x की बहुत वैल्यू आ सकती है, x की अगर दो वैल्यू रखें और यहां y की अगर 5 रखें, ये अंदाज से कर रहे हैं, ये हम अंदाज से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो 4 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3, तो ये क्या आ जाए, 8 माइनस, इन दोनों को एड हो जाएगा, इसी तरह ये दोनों जुड़ के 4 आ जाएंगे तो 0। तो कहने के बाद इस तरह x की बहुत वैल्यू आ जाती है। अब लेकिन ये चीजें हम जो है अंदाज से करते हैं, हीट एंड ट्रायल से करते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं, ये हम बता देंगे किस तरह अंदाज से करिए। x 1 2 रख दीजिए तो y की वैल्यू अपने आप से आ जाए, कैसे आ जाएगी, सपोज करिए अज्यूम कर लीजिए, लेट यहां रहिए, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें क्या 4 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाई ये इधर आ जाए, प्लस 3 हो जाएगा और वाई इक्वल टू माइनस 3, इसका मतलब अगर ये रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3, फिर अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या करेंगे, देखिए 4 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे सॉल्व होने 1 आ जाएगा, ये माइनस वाई तो ये आ जाएगा, तो यहां पे देखिए हमने एज्यूम इसी से यही यूज करके उसने किया था। अगर यहीं पे x इक्वल टू 2 रख दीजिए तो सॉल्व करने के बाद आपको कुछ दूसरा मिल जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस वाई माइनस 3, तो क्या आएगा 8 माइनस 3 ये इक्वल टू वाई, तो क्या हो वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये वाई इक्वल टू 5, तो इस तरह x की वैल्यू कितना भी रख सकते, 1 2 3 4 100 रखिए, y की वैल्यू 100, यही कह रहा है कि टू वेरियल हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे तो y की भी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, यही कहने का मतलब है इसका। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, ये कह रहा है कि इसका ग्राफ अगर हम बनाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, बना के देखेंगे हम, यहां बनाना पड़ेगा, तो यहां पे वही जो भी हमने यूज किया था उसी का, इस इक्वेशन का ग्राफ अगर हमको बनाना है तो यहां y इक्वल टू ले लेते हैं 4 माइनस x, और क्या करेंगे, पुट एज्यूम करिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो सोल्यूशन क्या, y इक्वल टू 4 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, तो यह आ गया y इक्वल टू 3 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 2 रख देंगे तो 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 3 रख देंगे तो y इक्वल टू क्या है, 1 आ जाएगा। अब इसको एक टेबल हम बना लें,
इस तरह का हम टेबल बना लें, ठीक है, यहाँ पे x रख दें, यहाँ y रख दें, तो इस टेबल की सहायता से जो है हमको पॉइंट जो है ड्रा करना है, प्लॉट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 0 रखा तो y की कितना हो गया 4, अब x की वैल्यू 1 रखा तो y की 3 आ गया, x की 2 रखा तो y की भी 2 आ गया, x की 3 रखा तो y की भी 1 आ गया। अब ये ग्राफ अगर बनाए तो हम इसको ऐसे बड़ी आसानी से बना सकते, ये हमारा 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, जैसे जिस तरह के टेबल में हमको वैल्यू मिल रही है उसी के हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ 0 होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, अब हमको y पे 4 मिल रहा है, पॉजिटिव 4 मिल रहा है, इसलिए हमको कम से कम तो 4 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, तो अब हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट क्या होगा 0 और 4, इसका पेयर 0 4, तो 0 यहां हो 0 4, इसका मतलब ये y पे कहीं ये पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट आ गया 0 4, ये वाला पॉइंट हमने क्रॉस कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला क्या, 1 और 3, तो यहां पे 1 है, इसी पे हम यहां पे जाएंगे 3, तो ये और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां आएगा 1 3, ये पॉइंट आ गया, ये 1 और 3 का बात है। फिर 2 2, ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप का बना एक्स पे 2 वाई पे 2, तो एक्स पे 2 है, वाई पे 2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे यहां आ जाएगा, ठीक है, 2 और 2 हो गया। फिर 3 1, एक्स पे 3 और वाई का 1, यहां पे इसका कॉम्बिनेशन कहीं यहां आ रहा है, तो ये हो गया 3 1। अब अगर इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे ना, अब हमारा यहां स्केल सही से नहीं लग रहा है, तो ये जो है हमको एक स्टाइल ऐसी लाइन बनाएगा। देखिए यहां पे नेक्स्ट पेज में जो है इसका एक सही से बना हुआ है, हम दिखा देते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे इसने यक्स, वी हैव ए टेबल, यक्स की वैल्यू 0 रखे तो वाई की वैल्यू 4 आ गई, यक्स की वैल्यू 2 रखे वाई की वैल्यू 2 आ गई, यहां पे इक्वेशन, ठीक है, यहां पे x की वैल्यू 0 रखे y की वैल्यू 4 आ गई, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट बना लिया, ये क्या है आपका 0 4 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है 2 2 है, तीसरा पॉइंट ये, तो ये 0 ये पॉइंट आपका आ गया, फिर 2 2 यहां पे आ गया, फिर 4 0 यहां पे आ गया, ये 3 पॉइंट, और इन तीनों को ऐसे ग्राफ पेपर रहता है तो आराम से मिल जाता है। देखिए ये एक पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये जो खाने हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, इजिली बन जाता है, ठीक है, ये पॉइंट मिला, बना दिए, ग्राफ बन गया। सो प्लॉटिंग द पॉइंट ये ऑन द ग्राफ पेपर वी हैड ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग देम, ऐसे इसमें आपको इसी तरह के काम करने हैं। इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस, तो कहने को इक्वेशन ऑफ x और y एक्सिस ये होता है, इक्वेशन ऑफ x और y एक्सिस, तो इसका मतलब ये है, इसका इक्वेशन बनाना है आपको, यहां y की वैल्यू 0 है और इसमें क्या है, ये इक्वेशन है, यहां पे एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, क्योंकि अगर इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे इससे जो है x प्लस 3 से हमको क्या मिलेगा, यहां x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 यहां पे, और x इक्वल टू y की वैल्यू 0 है, तो आपको क्या -3 और 0 ये प्लॉट करना, तो -3 का और 0 यहां पे कहीं आएगा, -3 0 यहां आएगा, तो कोई लाइन यहां से अगर क्रॉस कराएंगे यहां से कौन सी जाएगी, तो इसका इक्वेशन क्या, x एक्सिस खुद ही होगा, क्योंकि लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन इसी पॉइंट x एक्सिस जा रही है, इस पॉइंट से x एक्सिस जा रही है, तो इसका इक्वेशन क्या है, x एक्सिस है। इसी तरह इसको अगर देखेंगे तो क्या होगा, 7y-3 = 0, सो y इक्वल टू 3/7, 3/7 एक से कम होगा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, इस पे इससे पॉइंट का 0 और 3/7 आएगा, तो यहां पे 0 है
और यहां पे कोई अगर वन है तो इन्हीं के बीच में कोई आएगा, ठीक है, तो यहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा जीरो थ्री बाई सेवन, इस जगह कोई पॉइंट आएगा। इस पॉइंट से कौन लाइन जा रही है, वाई एक्सिस जा रही है, तो इसलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस, ये कहने का मतलब है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स और वाई पॉइंट है, तो यहां पे एक्स की जो ए है वाई की वैल्यू जीरो है, तो इसीलिए जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर ये 9 बाई थ्री होगा माइनस 9 बाई टू, ये है यहां ये लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट माइनस 9 बाई टू जीरो, ये होगा कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये वाला लाइन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये आएगा। यहां पे और भी पॉइंट इसने ड्रा किया है, ये वाला पॉइंट ड्रा किया है, ये भी पॉइंट ड्रा किया है, लेकिन ये लाइन जो है किसके, वाई के पैरेलल है, ये लाइन किसके, वाई के पैरेलल है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। देखिए इन दोनों के बीच में एक पैरेलल है, दोनों पैरेलल कहीं नहीं मिलेंगी, यही कहने का मतलब ग्राफ आप, ये इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वही कह रहा है कि अगर एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल ही वो लाइन जाएगी। ग्राफ का मतलब वो जो हमारा लाइन बन के आ रहा है वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसी तरह अगर ये है y इक्वल टू है तो जो ये ग्राफ बनेगा हमारा ये वाला, ये यहां पे y a, सपोज करिए a की वैल्यू कितना है, दो है, तो यहां पे आपका आएगा ये, इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, जीरो और टू, जीरो टू यहां पे होगा आपका, जीरो टू है, इससे जाने वाली जो लाइन है, इससे लाइन जाने वाली लाइन ये है, क्योंकि यहां पे y की वैल्यू दो है, तो ये किसके है, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब उसके बाद एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियल इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये क्या मतलब, इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट है, अगर ये लाइन देखिए, ये लाइन दोनों दिशाओं में इनफाइनाइट तक जा सकती है, अगर ग्राफ हमारा खूब पेपर बड़ा हो, प्लेन पेपर बड़ा हो तो इनफाइनाइट जाए, तो इस लाइन पे बहुत पॉइंट है, एक ये पॉइंट सारे पॉइंट। अब जैसे ये ही पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, यहां से अगर ले उठाएंगे और यहां, तो ये आ जाएगा आपका सेवन माइनस थ्री, ठीक है, ये पॉइंट आपका इस तरह आएगा। अब हम तो ग्राफ के जहां पे हमको इंटरसेक्शन मिल रहा है वो ले लीजिए, जैसे ये वाला पॉइंट क्या आ गया आपका फाइव और माइनस टू आ गया, ये पॉइंट, इसी तरह ये पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट ये आ गया, इसी तरह ये पॉइंट आ गया, तो यही कहना है जितने पॉइंट है, ये वाला हम थोड़ा ये ले ले रहे हैं ताकि ये फ्रैक्शन में नहीं आए, तो ये सारे पॉइंट क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब अगर ये वैल्यू हम रखें, ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन में रखेंगे जो हमारा इक्वेशन है, तो उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो आ जाएगा,
यही बताने के। जैसे यहां पे है, जैसे ये इक्वेशन हम ले लेते हैं, x प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसमें से कोई एक पॉइंट उठा लिया, सपोज करिए ये पॉइंट उठा लिए, यहां पे x की वैल्यू माइनस फाइव रख देते हैं, y की वैल्यू थ्री रख देते हैं, टू इंटू थ्री रख देते हैं माइनस वन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और ये इक्वल टू, तो ये इसके बराबर आ जाए। कोई भी पॉइंट उठा के यहां रखिए, ये वाला पॉइंट अगर हम लेके चेक करें इसी में, x प्लस टू वाई माइनस वन, तो यहां पे थ्री रख देंगे और यहां पे टू इंटू माइनस वन रख देंगे, माइनस वन LHS लेना होता है यहां पे पहले, ये सॉल्व करने पे थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ये आ जाएगा, तो ये ही इक्वल टू RHS है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यही जब x और की ऐसी वैल्यू जिससे ये साइड का सॉल्व करने पे जीरो आ जाए, तो वो एक्स वाई इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये कहते हैं टेक्निकल भाषा में, ये कहते हैं मैथ की टेक्निकल भाषा में इस तरह का शब्द यूज किया जाता है। इस तरह ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, और एक्सरसाइज करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। समरी में है कि लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्मेट में होगा, जहां पे ए बी सी जो है जीरो नहीं होगा और रियल नंबर होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट में सोल्यूशन होता है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है, हमने देखा एक्स इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, और इसी तरह वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस का सोल्यूशन, वाई इक्वल टू जीरो है एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जीरो होती है, ये है। इसी तरह एक्स इक्वल टू ये इस ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और वाई है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहां पे इस तरह का ओरिजिन, इस तरह का इक्वेशन जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, y इक्वल टू यम एक्स, इसका मतलब कोई है, y इक्वल टू थ्री एक्स, ये ओरिजिन से ही जाता है, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा ओरिजिन से जाती है, ये आप जान के रखिए। हो सकता है यहां पे पुट x इक्वल टू जीरो रख दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री इंटू जीरो इंटू जीरो, तो एक पॉइंट आपका यहां आ गया, जीरो इंटू जीरो एक मिल जाता है, इसका मतलब एक पॉइंट तो जाएगा, बाकी तो और बहुत पॉइंट हो सकते हैं। x की वैल्यू वन रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपको थ्री आ जाएगी, तो यहां पे वन वन और थ्री का एक पॉइंट आ जाएगा, वन थ्री ऐसे आ जाएगा, इसी तरह बहुत आ जाएगा, टू सिक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो यहां पे कोई टू सिक्स आ सकता है, थ्री नाइन आ सकता है, इस तरह एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीजें हैं। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।